गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज के वीडियो में मैं आपको कोई कैरावैन नहीं दिखाने वाला, आज मैं आपको कैरावैन से भी एक्साइटिंग एक नया कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ। गाइज आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको प्रो कैंपर की नॉन कैरावैन डिवीजन जो कि है वैल्यूबल व्हील्स, जिसमें हम लोग बड़ी बसेस बनाते हैं, वैनिटीज बनाते हैं और स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो, आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एक पूरा का पूरा हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हॉस्पिटल को व्हील्स पे डालने की जरूरत क्या है? तो इसका एक ना बहुत ही इजी सा आंसर है कि देखो, हर जगह हेल्थ केयर पहुंच नहीं सकती। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे पिछड़े हुए इलाके हैं, बहुत सारे रूरल एरिया हैं जहां तक हेल्थ केयर नहीं पहुंच सकती, हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच सकते और लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम नहीं है। तो अगर उन तक एक हॉस्पिटल पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो इनिशियल लेवल पे डायग्नोज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि अर्ली स्टेज डायग्नोसिस पे रोकी जा सकती है या क्योर करी जा सकती है, बट अगर वो तीसरी या चौथी स्टेज पे पहुंच जाए तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए बनी है मेरे पीछे ये महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड की मेडिकल वैन, जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी है। अभी अंदर लेके चलूंगा और एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी के स्पेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइज, आपको मेरे वीडियो के फॉर्मेट के बारे में तो पता ही है, पहले मैं आपको गाड़ी के बारे में बताता हूँ। सो ये है एक बस चेसिस अशोक लीलैंड की और लगभग ये 36 फीट की गाड़ी है और इसके अंदर बना है पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इस तरीके से गाड़ी नहीं आई थी, इसकी मैं एक्चुअल पिक्चर अभी पोस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके की गाड़ी आई थी और हमने इसको कितना ब्यूटीफुल बना दिया है। सो गाइज, ये जो विंडशील्ड आप मेरे आगे देख रहे हैं, ये कस्टम विंडशील्ड है, ये इसी गाड़ी के लिए बनी है। ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं ब्यूटीफुल सी, ये भी इसी गाड़ी के लिए बनी है। ये जो आप कर्वेचर देख रहे हैं, ये स्पेसिफिकली इसी गाड़ी के लिए डिजाइंड है। इसमें बहुत सारी पावर के सॉल्यूशन है और गाइस, आपको बताते हुए मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है कि पिछले एक साल में ये हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट आया है सेम ऑर्गेनाइजेशन से, विच मीन्स पहली गाड़ी सक्सेसफुल थी, उसके बाद अब ये दूसरी गाड़ी बन के जा रही है। एज अ पार्ट ऑफ द CSR एक्टिविटी, ये महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड का प्रोजेक्ट है और ये उन लोगों तक के लिए बना है जो लोग हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते। और जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं, ये कैरावैन नहीं है, तो इसका डेमो देने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी टीम के पास, मिस्टर अमित शर्मा। अमित भाई से आप पहले भी मिले हो, आज मैं आपको उनसे फिर मिलवाने वाला हूँ। चलो अमित भाई से मिलते हैं, वो इस गाड़ी का पूरा पूरा हमें ब्यौरा देंगे। सो वेलकम अमित भाई। तो बहुत बढ़िया, अमित भाई से मैंने आपको पहले भी मिलवाया है, ये हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं और एक्सपर्ट हैं। अगर आपको याद हो, मेरी पहली जो मैटाडोर थी वो भी इन्होंने ही बिल्ड करी थी और अब हम लोग सब साथ में काम करते हैं। तो लेट्स बिगिन अमित भाई, प्लीज इस गाड़ी के बारे में बताना शुरू करो, ये कैसे आई थी और क्या क्या हुआ था। तो सर, इसका जो डेमो है मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है? एक इसका फैब्रिकेशन पार्ट, दूसरा इक्विपमेंट फिटमेंट। सो बेसिकली हमारी बाहर की बॉडी किस तरीके से बनाई गई और उसके बाद हम दिखाएंगे कि इसमें इक्विपमेंट क्या क्या है, कैसा हॉस्पिटल है, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा एक पर्सनल चैनल है जिसका नाम है ध्रुव नॉर्थ, जिसमें मेरी पर्सनल लाइफ दिखाई देती है। कैरावैंस और स्पेशल पर्पस व्हीकल के अलावा भी बहुत कुछ मैं लाइफ में करता हूँ, जैसे मनाली में मेरा एक कैफे है और भी बहुत कुछ है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर आप मेरी डेली लाइफ देखना चाहते हो, और अगर आप बिल्ड से रिलेटेड, कैरावैन से रिलेटेड, फैब्रिकेशन से रिलेटेड कुछ भी देखना चाहते हो तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बॉडी बनाने से पहले डिजाइन बनता है, राइट? डिजाइन बनाया हमने, ठीक है, और कौन सा इक्विपमेंट कहाँ आएगा उस हिसाब से हमने फैब्रिकेशन किया, ठीक है? तो इसमें पहले ड्राइवर कैबिन आता है। चलिए ड्राइवर कैबिन की तरफ चलते हैं। ये ड्राइवर कैबिन है जिसमें कि आप जो स्टाफ इसमें जो ऑपरेट करेगा सारे इक्विपमेंटों को, मशीनों को, वो सब यहाँ सिटिंग दी गई, उनकी यहाँ सिटिंग है। और आई थिंक ये कितना फीट का एरिया है अमित भाई? ये 5 लोगों के लिए सीट्स है। अच्छा, ये जो गाड़ी है ये कौन से फ्यूल पे चल रही है? ये CNG पे सर। अच्छा, CNG पे इतनी बड़ी गाड़ी चल जाती है? CNG पे बॉडी बिल्ड करते समय काफी डिफिकल्टी आई क्योंकि इसके इतने ज्यादा इक्विपमेंट हैं जो अंदर तो है ही हैं, उसके बाद जैसे जेनसेट, AC, वाटर टैंक और आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो बेसिकली सिलेंडर्स के साथ उनको माउंट करना थोड़ा मुश्किल था, मुश्किल रहा सर, क्योंकि ये तो पैसेंजर गाड़ी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो पैसेंजर के लिए सिटिंग ये हो गया है, उनके लिए AC के लिए इंजन ड्रिवन AC दिया है। तो ये इंजन ड्रिवन जो AC है ये किसी कंपनी का है या फिर ये आपने खुद बनवा के लगाया? सैंडन का है, ठीक है। ये ओवरव्यू पूरा, ओके। आपके स्विच सॉकेट है, चार्जिंग पॉइंट दिया गया है आपको, रिवर्स कैमरा भी है, ऊपर ये सायरन है पब्लिक एड्रेस के लिए, जो ये एम्बुलेंस का सायरन होता ही है, ठीक है। अब चलते हैं सर
बाहर की तरफ जो हमने स्टोरेज बनाए हैं, कैसे मैनेज किया है हमने, ठीक है स्टोरेज देखते हैं, दिखाता हूँ। ओके सो गाइस, इस तरीके के इसके स्टेप्स हैं और काफ़ी इजीली हम इससे उतर सकते हैं। ये देखो अमित भाई उतर रहे हैं, उतर सकते हैं। ये सब जनरेटर है, इसका हमने फ्लैप खोला और ये स्लाइडिंग जेनसेट दिया है, ये लॉक है इसकी। तो अमित भाई ये कितने केवीए का जेनसेट है? ये 7 केवीए का जेनसेट है और ऐसे दो जेनसेट है इसके अंदर, दो लगे। और ये कितना पेट्रोल पी जाता होगा एक घंटे में? ये सर फुल लोड पे 2 लीटर अप्रोक्स खाता है, 2 लीटर के आसपास ये खा जाता है। पेट्रोल जेनसेट है और इसका साइलेंट है। इसका वजन कितना होगा? वजन आप मान के चलिए 200 केजी। सो गाइस आप देख रहे हो ये जो चैनल लगाए गए हैं, ये जो स्लाइडर लगाया गया है, कितना स्ट्रांग है कि ये 200 किलो का पूरा वजन उठा सकता है। ये जनरेटर बस जैसे बाइक हम स्टार्ट करते हैं उस एक बार करके दिखाओ स्टार्ट। ये हमने बाइक की चाबी ऑन करी जैसे इस जेनसेट की कर रहे हैं, ठीक है, और एक पुश बटन दिया। एसी कौन सा लगाया है इस पे अमित भाई? एसी स्प्लिट एसी लगे हैं, 1-1 टन के दो, 1-1 टन के दो। और दोनों के यूनिट यहीं आए हैं या एक का इधर है, एक का उस तरफ है, दूसरी तरफ है? ये यहाँ पे यूनिट रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि सिलेंडर ही। अच्छा ये अपने सीएनजी के सिलेंडर है बेसिकली। हाँ तो ये काफी मुश्किल सा एक एफर्ट रहा होगा। ठीक है तो अपने पास दो इसमें 1-1 टन के एसी लगे हैं जी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये जैसे आपको जेनसेट बताया था तो ये दूसरा जेनसेट ये आ गया, ये स्टेपनी बॉक्स आ गया। ओके सो गाइस यहाँ पे स्टेपनी आएगी अभी इस गाड़ी की, और ये स्टेयर्स हैं जो रिट्रैक्टेबल, मतलब ये अंदर चले जाएंगे, चली जाती हैं, और ये हैंड रेस्ट है। ऐसी दो जगह दी गई हैं, दो एंट्री हैं, एक एंट्री और एक एग्जिट, एक वो आगे वाला आगे है और ये एग्जिट। ओके ये मैं देख रहा हूँ ये ग्रिड सप्लाई का हमारा सॉकेट है जी। ये क्या है अमित भाई? ये इन्वर्टर बैटरी है, ये डेंटल चेयर इसमें इंस्टॉल्ड है, तो इसका कंप्रेसर यूनिट है। ठीक है एक ऐसे एसी का आउटडोर इधर भी है, वाटर टैंक की क्या कैपेसिटी है इस गाड़ी में? वाटर टैंक की कैपेसिटी है 200 लीटर। 200 लीटर और एक मेरे को दिख रहा है वो स्टोरेज का हमारा एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है। बाकी बाहर जो स्पेस मिला मुझे, मैंने वो सारा कैप्चर करके वहाँ स्टोर बना दिया है। वो जो ऊपर पाइप दिख रहा है वो सीएनजी का पाइप है, ताकि सीएनजी की गैसेस रिलीज हो सके, फ्लो होती है तो वहाँ से रिलीज हो सके। चले अंदर चले आप मेरे को एक बार गाड़ी का अंदर का डेमो दो, लोगों को उत्सुकता है अंदर देखने की भाई हॉस्पिटल ऑन व्हील दिखाई कैसा देता है एक्चुअल में। अंदर जाने से पहले सर जेनसेट ऑन कर लेते हैं, एसी ऑन करेंगे, एसी में सब कुछ आपको ब्रीफ करूंगा। बिल्कुल गाइस देखो मेरे सर पे आपको दिख रहा होगा कितना पसीना है, हम लोग बैठे हैं हॉट समर डे में, अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में हम बैठे हैं। बाय द वे 1 तारीख को ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये मोस्ट प्रोबेबली आप 1 तारीख के आसपास देख रहे होंगे, 1 मई के आसपास देख रहे होंगे, महाराष्ट्र दिवस 1 तारीख को मनाया जाता है। तो ये वाली गाड़ी का इनॉग्रेशन होगा 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के दिन में। आइए सुरेंद्र, एकदम से ना भपका लगा ठंड का, एसी तो फुल चिल कर रहा है ऑन है सर। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंट्रोल। अच्छा सारा हमारा एमवीवी बॉक्स बेसिकली, ठीक है। अच्छा इस गाड़ी को सर हमने अंदर से 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहले सेक्शन में लेके चलता हूँ आपको, ये ऑप्थेलमिक का है सर। सो गाइस ऑप्थेलमिक मतलब आंखों से रिलेटेड, आंखों की जांच को ऑप्थेलमिक बोलते हैं। चलिए सर आप इस चेयर पर रहिए, ठीक है। ये पेशेंट वाली चेयर है, ओके चेयर ये है। अमित भाई मेरा आंखों में आजकल दर्द हो रहा है, दिखाओ जरा। तो सर ये मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ इस मशीनों को ऑपरेट करने में। अच्छा गाइस इन मशीनों को इंस्टॉल करते टाइम हम लोग मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं, मतलब इंस्टॉल हम करते हैं, सलाह वो देते हैं कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो पहले एक ये स्लिट लैंप है, ठीक है ना, ठीक है। डॉक्टर जो भी है वो इससे टेस्ट करेगा पेशेंट का। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है, राइट? लेटेस्ट मशीन है, पहले इसमें टेस्ट करेगा फिर इसके बाद इसमें। तो इसमें मैं अपना मुंह रख के चिन रख के अपना टेस्ट करवाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उसको कुछ और जरूरत पड़ती है, हाँ। तो ऊपर ये वो पुराने जमाने वाला जो चश्मे वाला होता था वैसा वाला नहीं, ये एडवांस है, ये एडवांस है पर फॉर्मेट वही होता है ना, यहाँ से मूव होता है। ओके और इसकी वो कहाँ गया जिसमें हम पढ़ा करते थे पुराने जमाने में, वो याद है जो आई चार्ट जो होता था, वो कहाँ इंस्टॉल्ड है इसमें? वो पेशेंट के जस्ट सामने इंस्टॉल्ड है, वो जो टीवी आपने लगाया हुआ है जी। आइए एक बार उस टीवी को खोल के देखते हैं। तो गाइस आप लोगों ने जो आई चार्ट देखे होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो बड़ी सी एक सफेद सी मशीन होती है
और एक बार ऑन करना मैं तो इसे। सो गाइस ये स्टार्ट हो चुका है आई चार्ट, थोड़ा एडवांस लेवल का आई चार्ट है। अब इसमें नंबर्स और वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। आ गए गाइस देखो ये सारे नंबर्स वगैरह आ गए। मैं इस वाली रो तक पढ़ लेता था बचपन में, अभी पता नहीं कितना पढ़ पाऊंगा। अच्छा रिमोट से इसको ऑपरेट भी कर सकता है। ठीक है। सो गाइस ये तो आपने देखा ऑप्थेल्मिक आंखों का इलाज, आंखों का इलाज अब हो गया है हमारा। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। अमित भाई इस सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे मशीनें दिख रही हैं, ये क्या क्या करती है एक बार बताओगे? लैब में जो टेस्ट हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल इधर हैं। जैसे ये वाली क्या करती है? ये यूरिन टेस्ट है। यूरिन टेस्ट है ये, ब्लड के मतलब सीबीसी बेसिकली सारा कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह, तो ये बलगम वगैरह सब कुछ का ये टेस्ट करती है। सो गाइस इधर की जो सारा सारा सेक्शन है ये डायग्नोसिस का सेक्शन है। बेसिकली पीछे भी डायग्नोसिस था ऑप्थेल्मिक, ये भी डायग्नोसिस है। ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ये गाड़ी क्योर कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ डायग्नोसिस करती है। अल्टीमेटली आपको जाना हॉस्पिटल ही पड़ेगा, मगर अर्ली डायग्नोसिस कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स, लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ हैसल्स। तो यहाँ पे सारा का सारा आपका ब्लड रिलेटेड, आपका यूरिन रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं हॉस्पिटल में वो सारे के सारे इस छोटे से सेक्शन में हो जाते हैं। और ये सब कुछ हमारा जेनसेट से पावर्ड है, राइट? जेनसेट से पावर्ड, राइट। ये एक वॉशरूम है, वॉशरूम दिया गया। एक बार दिखाएंगे खोल के गाइस। कैरावैंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये काफी बड़ा वॉशरूम लग रहा है। ये पेशेंट के लिए और डॉक्टर्स के लिए पूरा पूरा वॉशरूम है। इसमें डब्ल्यूसी जो लगी है वो इलेक्ट्रिक ग्रेड लगी हुई है। सो ये इस तरीके से पूरा पूरा मॉड्यूलर बना हुआ है गाइस। इसमें वो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे इसके स्विच बोर्ड्स हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिनिश आई है। ये इसका सिंक लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक ग्रेड डब्ल्यूसी लगा हुआ है जो हम और गाड़ियों में लगाते हैं, वो उसका फ्लश का बटन लगा हुआ है। सो इसको कर देते हैं फिलहाल के लिए बंद। सो गाइस एक अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आंखों का इलाज होता है, सारी बायोकेमिस्ट्री जो कि ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल सब कुछ होता है। उसके बाद अगला एक सेक्शन होता है डेंटल का। तो अमित भाई सेटअप कर रहे हैं डेंटल वाला सेक्शन। अब ये मेरे दांत की आरसीटी करने वाले हैं। चलो अमित भाई मैं लेट लूँ सर। ये डेंटल चेयर है सर। ठीक है, डॉक्टर यहाँ बैठता है, पेशेंट जहाँ अपने वहाँ मैं वहाँ बैठता हूँ। तो सारे इक्विपमेंट इसी में दिए हैं, ये ऑटोमेटेड पूरी इलेक्ट्रिक डेंटल चेयर है। अच्छा वो लाइट का सिस्टम आ गया। लाइट है और लाइट हमेशा इधर होती है, हमने छत में लगा दी। अच्छा छत पे माउंट किया। और ये मेरे को अगर जब खून निकलेगा तो स्पिट करने के लिए ये हमारा टूल्स है बेसिकली सर। सो ये गाइज ये भी पूरा पूरा हाईटेक मशीन है। इस हाईटेक मशीन में आपके डेंटल का सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला डायग्नोसिस वाला नहीं है, ये वाला क्योर वाला है, इसमें आपका पूरा डेंटल का काम हो सकता है। अब अगले सेक्शन में चलते हैं भाई। यहाँ पे एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है, ये एक एसी फ्रिज लगाया गया है। और एसी फ्रिज का पर्पज तो आप सबको पता ही है क्या होता है। चलिए अमित भाई आगे चलते हैं। एक और मशीन दिख रही है, ये क्या चीज है? ये ऑटोक्लेव है, इसके जितने भी ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट होते हैं स्टेनलेस स्टील के वो पहले स्टेरलाइज किए जाते हैं। ये स्टेरलाइजर है बेसिकली, इसमें सारे इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज किया जाता है तब वो आगे यूज होते हैं। बिल्कुल। ओके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फिनिशिंग पूरी गाड़ी की कितनी अच्छी आई है, काफी अच्छा काम इसमें किया गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ अमित भाई। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने देख लिया ऑप्थेल्मिक आंखों का इलाज, अभी तक हमने देख लिया बायोकेमिस्ट्री जो सारे के सारे टेस्ट हैं, उसके बाद हमने देखा डेंटल का पूरा पूरा एंड टू एंड ट्रीटमेंट। अगला क्या दिखाने वाले हो भाई? ये लास्ट सेक्शन है और ये है एक्सरे रूम। इसमें ब्रेस्ट स्कैन की जाती है। तो बेसिकली ये मेमोग्राफी की डिवीजन है। ये जो दरवाजा है गाइस, ये स्पेसिफिक दरवाजा है जो एक्सरेज को, जो हार्मफुल एक्सरेज को उस रूम से इस रूम तक नहीं आने देता। आप ये दरवाजे की थिकनेस देखिए, ये सारा लेड में बना हुआ है ना, 2 mm lead पे ये पूरा दरवाजा बना है। काफी हैवी ड्यूटी डोर है जो भी एक्सरे, और वो पूरा का पूरा रूम लेड में बना है, विच मींस कि कोई भी रेडिएशन उस रूम से इधर या बाहर की तरफ नहीं जा पाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इस रूम के लिए एक सेपरेट एसी इधर भी दिया गया है, राइट। और ये पेशेंट के लिए चेंज रूम बनाया है। ये चेंजिंग रूम, चेंज रूम जैसे गाइस हम लोग अपना शावर बना देते हैं गाड़ियों के पीछे दरवाजों पे, वैसा यहाँ पे एक पूरा पूरा चेंजिंग रूम बना है कर्टेन रेल पे। आप जहाँ खड़े पेशेंट जहाँ खड़ा होता है, राइट, और ऑपरेटर इस मशीन के पीछे होता है। और ये लेड ग्लास लगाया गया है रेडिएशन के लिए, ऑपरेटर के लिए। ओके तो बेसिकली जो रेडिएशंस हैं वो ऑपरेटर तक ना पहुंचे उसके लिए वो लेड ग्लास लगाया गया है। और ये मेमोग्राफी की मशीन है, इसमें पूरा पूरा ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन होता है। इधर से कैसेट जो भी इमेज आती है वो कैसेट के थ्रू निकलती है और कैसेट रीडर में जाता है। रीडर इसका यहाँ लगा हुआ है, वहाँ से जो कैसेट आई सर, कैसेट हम कैसेट रीडर में गया। ठीक है, कैसेट रीडर से जो भी इमेज बना वो सिस्टम पे दिखेगा। अच्छा तो ये सिस्टम सारा इंटीग्रेटेड है एक तरीके से। इंटीग्रेटेड है तो बेसिकली अंदर स्कैन हुआ
और हाथों हाथ वो कैसेट बनती होगी? बिल्कुल सर, इमीडिएटली 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 वो इस कैसेट रीडर में गई, कैसेट रीडर में गई, फिर वो ऑपरेटर चेक करेगा कि इमेज अच्छे से आई है कि नहीं आई है, या रीडू होना है, या रीडू होना है। ओके, अगर होता है तो उसके बाद ये प्रिंटर है, कमांड देगा प्रिंट तो जो एक्सरे आता है जनरली वो इसमें से प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंट आउट निकलेगा और 5 मिनट में आपके हाथ में। तो गाइस जो इन अदर वर्ड्स जो पुराने जमाने में वेटिंग टाइम होता था कि अभी एक्सरे कराओ शाम को आता है, अब वो सब चेंज हो चुका है। आप रेगुलर हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो आपको हाथों हाथ जो रिपोर्ट्स मिलती है वो इन्हीं मशीनों के थ्रू मिलती है। इसी तरीके का सेटअप होता है जो प्राइमरी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं या इमेजिंग सेंटर्स हैं जिनमें होता है। तो मोटा मोटा अब हमने कवर कर लिया पूरा का पूरा मेमोग्राफी। चलिए आपको मैं दीपक जी से मिलवाता हूँ। दीपक जी इस पूरी की पूरी व्हीकल को ऑपरेट करने वाले हैं, ये जिस संस्था की गाड़ी है दीपक जी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस पूरी गाड़ी को ऑपरेट करेंगे। अब मैं आपको दीपक जी से मिलवाने लेके चलता हूँ। सो एक बार दीपक जी अपने को इंट्रोड्यूस करिए और ये भी बताइए हमें कि इस पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट के पीछे किसका दिमाग है, किसने इसको इंसेप्शन दिया और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, मेरा नाम दीपक कोवाल है और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। समर्थ योर फाउंडेशन का मेन बेस पुणे ही है। ओके, और वहाँ के प्रेसिडेंट चेयरमैन जो समर्थ योर फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन है श्री राजेश जी पांडे। हाँ जी, पांडे सर ने एमएनजीएल के साथ कॉन्सेप्ट करके ऐसा पहला गाड़ी बनाया था और अभी ये दूसरा गाड़ी जा रहा है। उसका वैन इंचार्ज सुनील जी पांडे है सर और मैं, हम दोनों के कोऑर्डिनेट में ये गाड़ी आगे रन होने वाला है पूरे महाराष्ट्र। तो ऑडियंस को हम लोग बताना चाहते हैं, मैं आपको मिलवाने का जो पर्पज़ है आपने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि इसका एक्चुअल पर्पज़ क्या है, होता कैसा है? मतलब यहाँ तो हमने बना के आपको गाड़ी दे दी पर जब आप इसको लेके जाएंगे यहाँ से तो एक्चुअल में इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? सर एक्चुअल में इसका पर्पज़ ये है कि जहाँ स्लम एरियाज है, स्लम एरियाज है, जहाँ पर रूलर है, जहाँ की महिलाओं के लिए हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी कम है, इसका जो मेन सेक्शन है वो मेमोग्राफी का सेक्शन है जो 40 एज के बाद महिलाओं में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, तो ये जो स्लम एरियाज होते हैं वहाँ पे महिला टेस्ट नहीं करते या करवा ही नहीं पाते, एक्सपेंसिव है, तो ये हम सब उनको फ्री में अफोर्ड फ्री में अवेलेबल करते हैं सब टेस्ट वगैरह। तो एक बार में मतलब इसमें लगभग कितने पेशेंट, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इसमें कितने पेशेंट एक बार में आ जाते हैं या फिर आप स्लम एरिया में जाते हैं तो एक दिन में कितने लोग डायग्नोस होते हैं? एक दिन में सर 100 to 150, 100 से 150 लोग हम चेकअप करवा के। चलो मैं ये सवाल वैसे बनता नहीं है मेरा पूछना, मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है क्या वो एक्चुअल में सक्सेस है भी या फिर ये सिर्फ एक CSR एक्टिविटी है तो बन के चला जाता है? मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हम पहले वाला गाड़ी बना के लेके गए हैं वो गाड़ी को हम डेट्स नहीं दे पाते, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस तरीके की गाड़ियों की मार्केट में बहुत ज्यादा, तभी आई थिंक ये एक साल में दूसरी बन रही है। सो दीपक जी अब यहाँ से आपकी जर्नी आगे किस तरह बढ़ेगी? जैसे मुझे पिछले 2 दिन से हम लगे हैं सारी टेस्टिंग छोटे छोटी बारीकियों पे काम कर रहे हैं और सब कुछ अब पास हो गया है आप लोग के एंड से, तो अब ये जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ से कैसे जाएंगे? सर आज ये गाड़ी यहाँ से डिस्पैच हो रहा है, ये बाय रोड कम से कम 2 दिन लगेंगे ये इसको महाराष्ट्र पुणे में पहुँचने के लिए। उसके बाद इसका ये इनॉग्रेशन फर्स्ट में महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका इनॉग्रेशन है, तो बहुत बड़ी धूमधाम से इनॉग्रेट होके ये गाड़ी की जर्नी और आगे का सफर शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी अपना टाइम देने के लिए, ऑल द बेस्ट। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई CSR फंड है या अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो स्पेशल पर्पस रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए दीपक जी। सो गाइज आई होप यू enjoyed दिस वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है procamperindia@gmail.com पे उसको मुझे भेजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे। इस तरीके के और ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।